केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजधानी पटना में बिहार का पहला आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और देश के 53 शहरों में 114 सेवा केंद्र खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 124 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है और बिहार में भी 90% आधार बन चुका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार एक डिजिटल पहचान है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मियों से लोगों को बेहतर सेवाएं और व्यवहार करने का निर्देश दिया। सनमार्ग लाइव के लिए पटना से रंजीत की रिपोर्ट। आधार सेवा केंद्र पटना में खुला है। 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, 124 करोड़ आधार कार्ड है, बल्कि 124 करोड़ 80 लाख समझ गया। मैं बिहार की बात जानने की कोशिश कर रहा था कि बिहार में 11 करोड़ 71 लाख पॉपुलेशन बताते हैं, उसमें टोटल आधार है 10 करोड़ 39 लाख, तो लगभग 90% बिहार में भी आधार है। आधार क्या है? आधार एक डिजिटल आइडेंटिटी है जो आपके फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। मैंने एक बार पहले बताया था, आज चूंकि आधार सेवा केंद्र खुल रहा है, देखो ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें क्या है, मेरी फोटो है, मेरा नाम है, मैं पुरुष हूँ और पीछे मेरे पिताजी का नाम और पटना का स्थायी पता है और आधार। अब इसमें क्या नहीं है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा ईमान क्या है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है और मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, ये इसमें नहीं है जिससे मुझे लोग पहचान सकते हैं। लेकिन सिस्टम में मेरा बायोमेट्रिक्स है, 10 उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली से आइरिस कहते हैं। अब हमने लगभग 33 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, उसको आधार से जोड़ा, बैंक अकाउंट आधार और मोबाइल से सील कर दिया, 120 करोड़ प्लस मोबाइल, उनके गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, बाकी कल्याणकारी योजनाएं सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू। अभी लेटेस्ट मेरे पास जुलाई का फिगर है, हमने अभी तक 7,93,811 करोड़ रुपया भेजा है।